फिंगरप्रिंट एनालिसिस, फिंगरप्रिंट विश्लेषण, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स आर डिटेल्ड, नियरली यूनिक, डिफिकल्ट टू आल्टर एंड ड्यूरेबल ओवर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, मेकिंग देम सुटेबल एज लॉन्ग टर्म मार्कर्स ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी। मानव उंगलियों के निशान विस्तृत, लगभग अद्वितीय, बदलने में मुश्किल और किसी व्यक्ति के जीवन पर टिकाऊ होते हैं, जो उन्हें मानव पहचान के दीर्घकालिक मार्कर के रूप में उपयुक्त बनाते हैं। The recovery of partial fingerprints from a crime scene is an important method of forensic science. एक अपराध स्थल से आंशिक उंगलियों के निशान की बरामदगी फॉरेंसिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विधि है. मॉइस्चर एंड ग्रीस ऑन अ फिंगर रिजल्ट इन फिंगरप्रिंट्स ऑन सर्फेसेस सच एज ग्लास और मेटल. कांच या धातु जैसी सतहों पर उंगलियों के निशान के परिणाम स्वरूप नमी और तेल. थिंग्स रिक्वायर्ड, उपकरण: ब्लैंक पेपर, कोरा कागज, सेलोटेप, सीजर्स, कैंची, पेंसिल. एक्सपेरिमेंट, प्रयोग. स्टेप वन, टेक द ब्लैंक पेपर एंड ड्रॉ ऑन इट विद अ पेंसिल. कोरा कागज ले और उस पर एक पेंसिल से ड्रॉ करें. स्टेप टू, प्लेस योर फिंगर ऑन द शेडेड एरिया. अपनी उंगली को छायांकित क्षेत्र पर रखें. स्टेप थ्री, फिक्स द सेलोटेप ऑन योर शेडेड फिंगर एंड स्प्रेड इट ओवर योर फिंगर. अपनी छाया उंगली पर सेलोटेप को टिक करें और इसे अपनी उंगली पर फैलाएं. स्टेप फोर, अटैच द टेप टू द ब्लैंक पेपर टू ऑब्जर्व द फिंगरप्रिंट. फिंगरप्रिंट पर निरीक्षण करने के लिए रिक्त पेपर पर टेप संलग्न करें. Uses, उपयोग. Fingerprints may be employed by police or other authorities to identify individuals who wish to conceal their identity or to identify people who are incapacitated or deceased and thus unable to identify themselves as in the aftermath of a natural disaster. उन्हें पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए नियोजित किया जा सकता है जो अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं, या ऐसे लोगों की पहचान करना जो अक्षम या मृतक है और इस तरह खुद को पहचानने में असमर्थ है, जैसे कि एक प्राकृतिक आपदा के बाद. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में.